सो हे गाइस, स्वागत आप सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो भाई, बड़े दिनों के बाद हमने सोचा कि हमें एक छोटी सी ट्रिप प्लान करनी चाहिए, क्योंकि काफी दिन हो गए, माइंड भी फ्रेश नहीं हो रहा और काम काम काम, वर्कआउट काम, तो बड़ा है ना, बिजी सा शेड्यूल हो रहा है। हमने सोचा कि भाई एक दो दिन जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। तो अभी हम जल्दी से निकलते हैं और गाड़ी में जाके मैं आपको बताऊंगा कि हम मेनली जा कहां रहे हैं। भाई जल्दी जल्दी डालो अपना सामान, वो आगे रख दिया, रखना पीछे हो क्या? वो पीछे रख दो जूते का, कैमरा पीछे रख दे, बस देख लो कहीं कुछ नहीं हो रहा, धीरे धीरे ना हटा दो। हाँ, तो आर यू एक्साइटेड? वेरी मच। चले फिर, ये पहले अपना सामान लेके आ गई है, बैठे बैठे खाते रहेगी, हम खाते रहेंगे, क्योंकि आज मेरा चीट डे है, मैं बड़ा खुश हूँ भाई। तो गाइस, फिलहाल हम चार्जर भूल गए और अभी मैंने नितिन को फोन किया तो नितिन लेके आ रहा है। भाई वो जो मेरा छोटा भाई है नितिन, जो मैं बोलता हूँ वो सारे काम कर देता, बड़ा अच्छा है यार बेचारा। उसको रात को शादी में गया था, उसके दोस्त की शादी थी, अभी पहुंचा ही था, तो अब दोबारा गया है। तो कल्पना को मैंने भेजा है, तो रोड की उस साइड ही खड़ा है वो, तो लेके आ जाएगी वो। चार्जर भी भूल गई, वॉच भी भूल गई, अब सारी चीजें याद आ रही है तेरे को जब हम गाड़ी में बैठ के निकलने वाले होते हैं ना। हाँ, अब ये फुल कर दो। तो हम सोच रहे भाई अब यहीं से हम फुल करा लेंगे, बार बार बीच में पेट्रोल न डलवाना पड़े। 350 किलोमीटर है ना, 300-350। चार घंटे दिखा रहा, 4-4.5 घंटे में हम इजीली पहुंच जाएंगे वहाँ। तो मेरे को लग रहा है यार खुला है, बंद होगा। हाँ, एक डेढ़ घंटे मतलब चल के आए हैं कि भूख लग रही, कुछ खाते हैं। मैकडी हमने भरा और बीच रस्ते से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर अंदर था ये, हमने 10 किलोमीटर था, 10 मिनट थी वो, सॉरी 5 किलोमीटर होगा। अब मिल खुला मिल जाए बस। और ये हमारा कट गया पोपट, बहुत तेज। अरे हाईवे पे आएंगे तो उसने वो टेंशन मतलब चल। भाई हमें लग रही है बहुत तेज भूख, और बहुत घंटों के बाद हमें ये होटल मिला है जो ठीक ठाक था, क्योंकि मैकडी हम रुक, अरे बीच में तो कहीं मिला ही नहीं हमें, एक मैकडी था उसके आगे चले तो आगे रुक जाएंगे, पर आगे फिर हम मिला ही नहीं, तो हम यहीं पे नॉर्मल खाना वाना खा के निकलते हैं। भाई मैंने तो यहाँ पे भटूरे मंगाए हैं, इसने अपना हमेशा की तरह डोसा ही मंगाया है, तो ये होगी हमारी चीट मील नंबर 1। बस पूरे दिन चीट ही करनी है ना, ये तो रोज ही होती है वैसे तो। तो हमारी ड्राइविंग सीट हो चुकी है चेंज, हाथ में आ चुके हैं आम पापड़, तो इसको खाते खाते जाएंगे। तभी चेंज करिए अपने ताकि आप खा सको, है ना? बिल्कुल। तो गाइस अभी हमारा 1 घंटा ऑलमोस्ट बच गया है, फिर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हमें पहुँचना है। और अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। हम जाने वाले हैं भाई जयपुर, अब थोड़ा जयपुर घूमने आए हैं। जो होटल है ना भाई, एक नंबर। मैं जाके आपको दिखाता हूँ कि क्या होटल हमने लिया है, उसमें क्या अलग चीज है। हम आ गए अपने होटल फाइनली, एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है होटल। बाकी हम आपको अच्छे से दिखाएंगे, पहले एक बार चेक इन कर लेते हैं। हाँ, पहले एक बार चेक इन कर लेते हैं, अपना लगेज निकाल लेते हैं। भैया अभी आ रहे हैं, करवा देते हैं। ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा ये है, कैमरे का बैग वैग है, और इसमें छोटे से बैग में मैं सब कुछ डाल दूँ। ये अपने पर्स तो पकड़ ले। चलो भाई, मिल गया हमारा रूम है। कार्ड लेगा ना, इसमें कार्ड तो डाल। हाँ, और ये देखो, वाओ, ये कुछ अलग तरीके से नहीं सजा रखा। नाइस यार, अरे गर्मी है, चलने देना। और भाई मैं आपको थोड़ा सा रूम टूर दे देता हूँ, तो यहाँ पे ये होगा। बाकी ये शीशा बड़ा अच्छा लग रहा है, उससे अच्छे हमारे वाइसेस लग रहे हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। नाड़ा स्टाइल है वो, तो चलते हैं। चीज़ तो हमें चाहिए होता है वॉशरूम साफ हो, तो वॉशरूम बिल्कुल साफ है और काफी अच्छे हैं, नाइस। तो भाई वहां तो जाते सो गए थे, अब 1 घंटा सोए हैं, फिर उठे हैं, अब जा रहे हैं हवा महल। पहले छोटी मोटी चीजें आज देख लेंगे, फिर बाकी कल देखेंगे, और कल फिर निकल जाएंगे आराम से। इसमें हमें दिख गए गोलगप्पे, तो अभी हम सोच रहे गोलगप्पे खाएंगे, जी ललचा गया हमारा, उसके बाद जाएंगे हवा महल। मेरे से आगे जाके थोड़े पास में ही है, गाड़ी हमने पीछे पार्क कर दी क्योंकि वहां आसपास जगह ही नहीं थी पार्किंग की। तो भाई एंट्री होने के बाद कुछ इस तरीके से हवा महल हमारा दिखता है, अभी ऊपर जाके देखेंगे। मतलब सामने से वो देखो वैसा वैसा कलर का है, ऑरेंज ऑरेंज अगर सामने से देखते हो, बाकी अंदर से ऐसा है। बाकी ऊपर जाके भी दिखाते हैं आपको, और इसकी होगी सेल्फी स्टार्ट। तो भाई यहाँ पे देखिए अंदर से कुछ इस तरीके से है। कौन सा गेट? हाँ नाइस। ऊपर जाने का जो रास्ता होगा वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। हर जगह शुरू जरूरी है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसको हवा महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके हर जगह इस टाइप की आपको खिड़कियाँ देखने मिलेगी जहाँ से हवा पास होती हो, ये देखो, तो इसलिए इसका नाम हवा महल है। अब हम आ गए हैं सबसे ऊपर, तो यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा दिखने वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये देखो, ये दिख रहा है, ये पता क्या है? जंतर मंतर। हाँ सही पकड़े, ये जंतर मंतर है, ये सबसे बड़ी है। अबे तू तो निकल गई, मैं कैसे आऊंगा, फंस गया मैं नहीं आ पाऊंगा।
तो भाई हमारे भगवान की दया से आरती भी स्टार्ट होगी, तो आरती में हम चल लेते हैं और आरती भी ले लेते हैं। क्या गया जल महल हमारा, तो भैया बताएंगे क्या क्या इसमें। भैया क्या सामने जो महल देख रहे हो सर, इसको बोलते हैं जल महल। अच्छा, ये पहले महल था जब 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इसमें महल था, इसमें पानी नहीं था, इसको बोलते हैं समर पैलेस। अच्छा अच्छा, राजाओं के टाइम में एसी कूलर पंखा था नहीं, जो गर्मी के 2-3 महीने हुआ करते थे वो राजा रानी इधर आके बिताया करते थे। अच्छा, ये चारों ओर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था, पेड़ों की हवा आया करती थी। पहाड़ टूटते गए, मकान बनते गए, पहाड़ पीछे हो गए, मकान आगे हो गए, जयपुर हो गए दो। नए जयपुर में खड़े हो, पुराना जयपुर पीछे छोड़ दिया, जिसको बोलते हैं गुलाबी नगर पिंक सिटी। अच्छा, 1981 में बाढ़ आई तो इसका नाम रखा गया जल महल। अच्छा, ये जो आप डेढ़ मंजिल का देख रहे हो, डेढ़ मंजिल का नहीं है, पूरा महल 3 मंजिल का बना हुआ है। अच्छा, डूब रखा है और नीचे, डेढ़ पानी के नीचे है, डेढ़ पानी के ऊपर है। अब इसका काम चल रहा है, महल के अंदर होटल, टेरिस के ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह बन रहा है, जैसे उदयपुर में लेक पैलेस बना हुआ ना, जैसे होटल और रेस्टोरेंट वगैरह बन रहा है। महल के ऊपर जो पेड़ वगैरह देख रहे हो आप, ये सब कुदरती पेड़ उगे हुए हैं, ओरिजिनल पेड़ है। 12 महीने में कभी भी आओगे तो ऐसे ही हरा भरा मिलेगा पेड़। ये इसलिए हरा भरा रहता है, पानी के अंदर तक की जड़ फैली हुई है। अच्छा, नीचे तक जब तक पानी नहीं सूखेगा, जब तक पेड़ नहीं सूखेगा। तो इसमें एंट्री वगैरह तो नहीं होती होगी? महल को 99 साल के लीज पे दे दिया गया नवरत्न कोठारी को। अच्छा, ये 2025 तक पूरा कंप्लीट होकर चालू हो जाएगा। जैसे चालू होगा आगे से रास्ता बना दिया गया, गाड़ी अंदर जाएगी, आगे बोट वगैरह खड़ी है, चारों ओर बोटिंग करा के महल के अंदर भेजा जाएगा। अभी अलाउड नहीं है, जैसे पब्लिक देख रही है वैसे ही देखने का है। गाइज, आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़े किए, काफ़ी घूमे फिरे। एक्चुअली व्लॉग हमने ज़्यादा नहीं बनाए, क्योंकि हम ना एक्चुअली मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं व्लॉग बनाता तो वो चीज़ मैं इन्जॉय नहीं कर पाता, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया बट प्रॉपर नहीं बनाया, और इन्जॉय मैंने ज़्यादा किया। क्योंकि जब भी हम व्लॉग बनाते, कभी आप भी ट्राई करना, जब व्लॉग बनाते हो ना, वो फीलिंग आपको आती नहीं है घूमने वाली। तो मैं आज ये इस बार मैं फीलिंग चाहता था कि घूमने वाली आए, तो आज मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, माइंड काफ़ी अच्छा फ्रेश हो गया। मंडे से दोबारा स्टार्ट करने वाला है तगड़ा सा वर्कआउट, एंड दोबारा अपने शेड्यूल में घुस जाने वाले हैं, पूरा अपने 100% देने वाले हैं। भाई, जल महल देखने के बाद ही हमें एक पेट्रोल पंप दिखा, और वहाँ पे हमें दिख गया कैफे कॉफी डे। तो हमने सोचा एक कॉफी पी ले, उसके बाद घर जाया जाए, होटल जाया जाए, या फिर अब देखते हैं, भूख लग रही है तेरे को खाना खाने की? हाँ, खाना खाएंगे। चल फिर खाना खा के चलते सीधा, है ना, खाना खा के फिर अपने होटल जाएंगे, आराम से रेस्ट करेंगे। पहले वहाँ से सीधा हम गए थे होटल, होटल से इसने कपड़े चेंज करा, बोला था अनकंफर्टेबल लग रहा है, अब कंफर्टेबल लग रहा है तेरे को? चलो ठीक है, बढ़िया बात है। हाँ, और दूसरी चीज़, हमने काफ़ी टाइम तक होटल सर्च किया, ढंग का मिला नहीं, काफ़ी टाइम के बाद ये मिला है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी सही लग रहा है, एम्बियंस भी अच्छा है, एंड फैसिलिटीज़ वगैरह भी अच्छी है, और डिशेज भी अच्छी है वैसे, है ना। बाकी अब खाने के बाद ही, वही तो खाने के बाद पता लगेगा अब कौन सा है। मैं तो पानी पी लेता पहले थोड़ा। तो गाइज, हमने अपनी दो थालियाँ मंगा ली है, कल्पना के लिए एक अपने लिए, तो इसमें हमारा पूरा पेट भर जाने वाला है, और इसके बाद जाएंगे होटल में, वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट भी तो करना है ना। तेरी थाली नहीं आई क्या? नहीं आएगी अभी, तो मैं तो शुरुआत शुरू कर रहा हूँ अपनी। भाई, आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और ये हमें मिली है कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि जो भैया है वो हमें जानते हैं। तो ये रहे हमारे भैया। भैया, पहले आप ये बताओ, आपका जो होटल है कितना पुराना है? छब्बीस साल पुराना। खाना एक नंबर, मज़ा आ गया। थैंक यू सर। और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं, और अभी थोड़ा बिजी हो गया, अभी कम देखते हो गए ना, एक्चुअली मैं डाल भी कम रहा हूँ वीडियोस, एक्चुअली ब्लॉग्स अभी कम रहे। हाँ, कम ही डाल रहा हूँ मैं, पर मतलब बहुत पहले से मैं आप लोगों के वीडियो देखता हूँ। अरे, थैंक यू सो मच। मतलब अच्छा लगता है देख के आप लोगों के वीडियोस जो है। मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब भैया ने बोला कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, और काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली कि काफ़ी फेक ब्लॉगर भी होते हैं जो भैया को पसंद नहीं आते, और आपके घर में खुद मतलब मेरे घर में सर एक यूट्यूबर है, तो मतलब अच्छा, मतलब मालूम पड़ जाता है आप लोग कौन फेक है, कौन भी चैनल पे जा रहा है, कौन किस चैनल पे नहीं जा रहा है। सही बात, बट आप लोगों के देखने बाद में मतलब सच में लगता नहीं, ये रूटीन में है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है, यहाँ पे देखने में मजा आता है। वो कुल्फी भाई एक नंबर, मजा आ गया। और थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर।